कि हम सभी घर में सभी सनातनी बंधु अपने सनातन धर्म का झंडा ऊंचा उठाएं, अपने घर से शुरुआत करें। अपनी हर बात अपने पेरेंट्स से शेयर करनी चाहिए, उनसे छुपानी, उनके साथ एकदम बी फ्रेंड विद रहना चाहिए, किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। और आप देख रहे हैं बवंडर इंडिया टीवी। सकल हिंदू समाज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता मीरा भाईंदर में चाहे सुबह हो चाहे शाम हो द केला स्टोरी मूवी सभी को दिखा रहे हैं, खास करके महिलाओं को, युवतियों को, कि ताकि उन्हें मालूम पड़े कि इस मूवी में जो दिखाया गया है किस तरह से लड़कियों का ब्रेन वॉश किया जाता है और उन्हें आतंकवादी बनने के लिए मजबूर किया जाता है, ताकि उनको पेरेंट्स को तो पता चले कि आखिर उनके बच्चे जाते कहाँ पे हैं। इस तरह का इस मूवी में एक मैसेज दिया है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे आए हुए लोगों से। पहले तो हमने समाज में जो महसूस किया है कि हम अपने परिवार के बच्चों को, अपनी बेटियों को, हमें अपने धर्म के बारे में जानकारी का पूरी तरह से नितांत अभाव है, तो हम सबसे पहले उनको अपने धर्म की जानकारी दें, अपनी संस्कृति के बारे में बताएँ, जिससे कि वो गलत रास्ते पे ना जाएं, अपने धर्म से के साथ रहें, धर्म के मार्ग पर चलें। और वैसे लोगों को, वैसे लोग जो उल्टा सवाल करने वाले हैं, अपने धर्म के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, उसका मुँह तोड़ जवाब देने में सक्षम हो, तो हमारी घर से ये शुरुआत होनी चाहिए। जिस तरह से इस फिल्म में दिखाई गई है, बहुत ही बड़ा संदेश दिया गया है कि हमने अपने घरों में अपने बच्चों को और अपने सदस्यों को धर्म की जानकारी नहीं दी, बिल्कुल नहीं दी, और जिसके अभाव में वो खुद ही कंफ्यूज्ड हैं, वो नहीं समझ पाते कि इनका उत्तर हम किस तरह से दें। अपने भगवान के ऊपर कोई सवाल करे, उसका जवाब किस तरह से दें, अपने त्यौहार क्यों मनाते हैं, उसका सवाल उनको का उत्तर देना उनको नहीं आता। तो ये बहुत ही अच्छा संदेश दे रहा है कि हम सभी घर में सभी सनातनी बंधु अपने सनातन धर्म का झंडा ऊँचा उठाएँ, अपने हर बात अपने पेरेंट्स से शेयर करनी चाहिए, उनसे छुपानी, उनके साथ एकदम बी फ्रेंड विद रहना चाहिए, किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। हाँ, और अपने धर्म की जानकारी होना चाहिए ताकि हम लोगों को जवाब दें। हिंदू धर्म में जो इवोल्यूशन चल रहा है, जो जन जागृति चल रही है, जो बदलाव चल रहा है, उसमें ये जो मूवी है एक माइलस्टोन का काम करेगी, हिंदू लड़कियों को जागरूक करने का, उनको हिंदू धर्म क्या है उसकी ताकत दिखाने का काम ये मूवी करेगी। ठीक है, कि बुरखे के अंदर की ज़िंदगी और बुरखे के बाहर की ज़िंदगी, उसका जो बदलाव है, जो स्वतंत्रता है और अपने धर्म के प्रति जो जागरूकता है, ये दोनों के प्रति ये मूवी काम। हाँ, मैं यही कहूँगी, ये फिल्म बनी है तो आने वाली जनरेशन को पता चलेगा कि हमारे हिंदू समाज में लड़कियों को, औरतों को लेके बहुत गलत हो रहा है, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है और उनको ये चीज़ का मालूम नहीं है बिल्कुल कि वो क्या कर रहे हैं। वो इस तरह से ब्रेन वॉश होता है उनका, तो वो अपना परिवार का किसी का साथ नहीं देते, किसी की बात नहीं मानते, जो ब्रेन वॉश करने वाले की ही राय में चलते हैं। तो ये सारे समाज को, हिंदू समाज को जागरूक करने की पिक्चर है, बहुत अच्छी। कहना चाहूँगी कि ये मूवी खास तौर से यंगस्टर के भविष्य के लिए बहुत अच्छी मूवी है और मेरे ख्याल से सभी पेरेंट्स को, बच्चों को दिखानी चाहिए, जिससे हमारे बच्चे जागरूक हो सकें। मतलब ऐसी मूवी बनती रहनी चाहिए जिससे कि हमारे देश के जो युवा बच्चे आगे बढ़ना चाह रहे हैं वो आगे बढ़ सकें। उनको हमारे धर्म का मालूम होना चाहिए, जो कि हमारा धर्म जो है ना आजकल स्कूलों में नहीं पढ़ाया जा रहा है, जैसे कि और धर्मों में शुरू से पढ़ाया जाता है, हमारे धर्मों में उसकी थोड़ी कमी हो रही है। उसके लिए मैं बहुत जागरूक होना चाहती हूँ और सबको जागरूक करना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ शुरू से ही वो एजुकेशन देनी चाहिए, जिससे कि हमारे बच्चे के लिए अच्छा है कि क्या हो रहा है आगे। मतलब इसमें देख के ऐसा लगेगा कि हमारे बच्चे का फ्यूचर
इसमें जिस हिसाब से बता रहे हैं मूवी में, और तो हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ दोस्ती कर रहे हैं, आगे कुछ गलत संगत गलत में तो नहीं पढ़ रहे हैं, उसके लिए ये मूवी सबको देखना बहुत जरूरी है। इसलिए देखने आए हैं क्योंकि हमने इसके बारे में सुना है बहुत कि बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है, और हम अपने बच्चियों को और माओ को दोनों को अवेयर करना चाहते हैं ऐसी चीज़ों से, इसलिए हम उनको दिखाने भी लाए हैं। बच्चों को अपने धर्म संस्कृति के बारे में जानकारी देनी चाहिए, उन्हें अपनी धर्म संस्कृति के बारे में बताना चाहिए, और हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, वो सब हमें उसका मतलब मालूम होना चाहिए। लव जिहाद ना, मतलब दूसरे धर्म में जाके मत प्रेम करें, अपनी हिंदू कास्ट में से करें। बस एक छोटा सा आग्रह करना चाहूँगा कि आज हमारा समाज जातिगत समीकरणों में बढ़ चुका है, और मैं चाहूँगा कि जात का भेदभाव करते सब हिंदू बनने का कोशिश करो, और सब हिंदू कोई जात धर्म ही नहीं, सिर्फ हिंदू धर्म है, सनातन धर्म हिंदू धर्म। और सभी से मैं फिर से आग्रह करना चाहूँगा कि जात में आप भेदभाव में मत बटो। मैं ये कहती हूँ कि हर माँ बाप को, हर माता पिता को अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, और ऐसी दोस्ती बना के अपने बच्चों के साथ रखना चाहिए ताकि उनके बच्चे कहीं भी जा रहे हो, माता पिता को इस चीज़ का ज्ञान हो कि मेरे बच्चे इसके साथ जा रहे हैं, उनकी संगति कौन सी है, उस संगति के विषय में भी उन्हें पता होना चाहिए। और बच्चों को भी अपने माँ बाप को एक दोस्त से ज़्यादा अपने बच्चों को, मतलब अपने जो बच्चे हैं उनको ऐसा परवरिश करना चाहिए हर माँ बाप को कि दोस्त से ज़्यादा अपने माँ बाप को वो समझे, और गलत हो सही हो हर एक चीज़ अपने माँ बाप को। यहाँ पर किस तरह से महिलाओं ने कहा कि अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, किससे मिलते हैं, उनका दोस्त कौन है, ये मालूम होना चाहिए। उसके साथ साथ ही अपने धर्म के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है ताकि सामने वालों को हम जवाब दे सके जो हमारे धर्म के बारे में उल्टा बोलता है। कहीं ना कहीं ये मूवी एक संदेश देके जा रही है युवाओं के लिए। बवंडर इंडिया टीवी के लिए काव्या वैद्य की।